Good morning, dear student. Welcome back to our next business study class. Previous video, we have discussed about objective of business. Today, we will continue objective of business. So, previous video mein humne economic objective पढ़े थे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, अब टुडे क्या पढ़ेंगे, नेशनल ऑब्जेक्टिव। सो एक बार हम रिवाइज कर लें कि हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ा था, ह्यूमन ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, सोशल ऑब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ा था। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था हमने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रॉफिट मेकिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक कोई भी बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट सबसे पहला ऑब्जेक्ट रहता है और इसमें क्या वो सामान को बेचता है, प्रोडक्ट करता है या कहीं से सामान खरीद है बिजनेसमैन और उसको बेचकर क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाता है जिससे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाकर उसका बिजनेस और ग्रोथ करे और कई क्या करता है, इनोवेशन करता है और जो रिसोर्सेस हैं उनका सही यूटिलाइजेशन। और ह्यूमन ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था, देखिए कोई भी बिजनेस में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें एम्प्लॉय बहुत जरूरी है, बिना एम्प्लॉय के, बिना व्यक्ति के कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। और तो एम्प्लॉय के प्रति और ह्यूमन के प्रति क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिजनेस के, कि फेयर वेजेस उनको दें, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए जॉब में और उनको ट्रेनिंग दी जाए, है ना, जॉब से संबंधित एजुकेशनल ट्रेनिंग हो वो दी जाए और सही क्या दिया जाए, एनवायरनमेंट दिया जाए और उनको सही वेलफेयर भी दिया जाए। ये सब चीज़ें मेन ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ी थी। अब सोशल ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि जो सही जो उनकी डिजायर हो या इच्छा हो वो सामान उनको क्वालिटी दी जाए, अच्छी क्वालिटी का सामान दी जाए और उनके जनरेशन है उनको भी क्या दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और जो क्या है कि जो गंदी बस्तियाँ हैं उनको इससे पॉल्यूशन से किया जाए, वहाँ पॉल्यूशन ना फैलाया जाए पिछड़ी बस्तियों में और सोसाइटी में भी क्या किया जाए, उनको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सब हमने सोशल ऑब्जेक्ट में पढ़े थे। अब आज हम किस पे डिस्कस करेंगे, नेशनल ऑब्जेक्ट। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या हो बिजनेस का हमारी राष्ट्र के प्रति जो उद्देश्य होता है वही नेशनल ऑब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर बताया गया है प्रमोट सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए, जो भी यानी समाज के प्रति न्याय होगा, सही तरीके से समाज के प्रति न्याय किया जाए। अब सही तरीके से न्याय कैसे होगा कि उनको सही मूल्य पे वस्तु दी जाए, उनको टैक्स सही दिया जाए और उनकी क्या किया जाए, बस्तियां हैं उनमें पॉल्यूशन कम किया जाए, एनवायरनमेंट ठीक रखा जाए,
जूजू मतलब सामाजिक न्याय है, उन सब चीजों में क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और फिर टू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, जो हमारे राष्ट्र की प्रायोरिटी हुई है ना, ये नहीं कि हम और कोई चीजें बना रहे हैं जो अदर राष्ट्र, हम किसको बढ़ावा दें, किसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट तैयार करें, हमारी नेशनल में, हमारी राष्ट्र में जिन चीज़ों को प्रायोरिटी हो, जो चीज़ को प्राथमिकता दी जा रही है, वही वस्तुएं हम हमारे राष्ट्र में क्या करें, प्रोडक्ट करें। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया उनका। और प्रमोट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को भी बढ़ावा दें कि कोई चीज़ हम कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं तो ये ज़रूरी होगी, तभी तो मंगवा रहे हैं। और हमारी राशन में उसकी क्या है, कमी है, तभी हम कोई वस्तुएं मंगा रहे हैं, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाए। और किसको, जो इम्पोर्ट है तो उनको, जो भी हम सामान को इम्पोर्ट के लिए जो भी सब्स्टिट्यूशन हो, बेटर, सबसे बेटर सब्स्टिट्यूशन हो, उसके लिए भी सुझाव दें। किसको, हमारे नेशन, उसके लिए हम फाइंड आउट करें कि ये चीज़ें हमारे इम्पोर्ट के लिए, और फिर क्या करें, हेल्प करें जो हमारे राष्ट्र में कुछ संकट आता है, क्राइसिस आती हैं, उनके लिए भी सरकार की हेल्प करें, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कोरोना काल था, तो बिजनेसमैन बढ़ चढ़ कर ने इसके समाज की हेल्प करते, तो क्या होगा, यदि वो बिजनेसमैन हेल्प कर रही हैं इसकी, गवर्नमेंट की, और टाइमली, तो क्या होगा, इससे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, उनके बिजनेस की प्रसिद्धि होगी, नाम होगा, और जो नेशन को भी इसमें सहायता मिलेगी। मान लो भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गई, या अदर कोई क्राइसिस आ गए, तो उसमें भी सरकार की मदद करें, जिससे कि क्या होगा, सरकार की भी मदद हो जाएगी और हमारे भी बिजनेस का नाम। तो हमने आज क्या पढ़े बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये पार्ट आपका क्या होगा, एंड हुआ। और इसमें हमने कितने ऑब्जेक्ट पढ़े, 4 ऑब्जेक्ट पढ़े, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट और नेशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, आप इसके नोट्स भी बना लीजिए और इसको अच्छी तरह से एक बार और रीड करिएगा। अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का एक और पार्ट बचा है, बिजनेस रिस्क। ये हम किसमें, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, बिजनेस रिस्क। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।